दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आपका दिमाग हिल जाएगा और आप भी सोच में पड़ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कौन सी है? तो चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर किसी एक फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बल्कि पूरे इतिहास की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, इंडिया के पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कौन सी थी, नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ आपको। नंबर 5 पर है टाटा इंडिका और इस कार के अभी तक पूरे इंडिया में 15 लाख यूनिट बिक चुके हैं। नंबर 4 पर है हुंडई सेंट्रो कार, आपने देखी तो जरूर होगी। इसके अभी तक 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख यूनिट सेल हो चुके हैं। नंबर 3 पर आती है मारुति सुजुकी 800 और आपको तो पता ही है इस कार ने इंडिया का रुख बदल दिया था। कार्स के मामले में इस गाड़ी के आने के बाद से तो तहलका ही मच गया था पूरे इंडिया में और पूरे इंडिया में कार की सेल्स अचानक बढ़ गई थी और अभी भी ये चल रही है। और विकिपीडिया और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इस कार के 27 लाख यूनिट सेल हो चुके हैं, इसी वजह से ये है नंबर 2 पर। मारुति ऑल्टो ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार है इंडिया की और अभी तक लगभग 39 लाख ऑल्टो बिक चुकी हैं। ये भी इंडिया के अंदर के सबसे पॉपुलर कार्स में से एक है। नंबर 1 इंडिया के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार के मामले में ये कार है जो आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे। हिंदुस्तान एम्बेसडर इंडिया के सबसे पहले 4 व्हीलर्स में से एक था। हिंदुस्तान मोटर्स ऑफ इंडिया ने निकाला था इसे और ये पूरे इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में सबकी फेवरेट बन गई थी। इस गाड़ी को किंग ऑफ इंडियन रोड्स भी कहा जाता था और लगभग 60 साल चलने के बाद साल 2005 के आसपास ये कार चलना बंद हो गई और टाइम टेक्नोलॉजी और सोल्ड यूनिट्स को कंबाइंड करके देखें तो ये कार टॉप में आती है। 40 लाख यूनिट बिक चुकी हैं। ये है सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, हिंदुस्तान एम्बेसडर की ही है और इसे नेशनल बेस्ट सेलर भी माना जाता था। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दुनिया के सबसे खतरनाक दर्द के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंसानी रूप में जलना सबसे खतरनाक दर्द होता है, मतलब जिंदा शरीर में यदि किसी के आग लग जाए तो इससे ज्यादा दर्द ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और दूसरे नंबर पर आता है जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है तो एक माँ का दर्द दूसरे नंबर पर आता है। तो चलिए अब जरा ये बताइए, क्या आप सभी लोगों को वोडाफोन का फुल फॉर्म पता है? क्या क्या होता है? वोडाफोन का फुल फॉर्म है वॉइस डाटा फोन वोडाफोन। जी हाँ, क्या आप सभी लोगों को पता है कि एक दिन में मैगी के कितने पैकेट बिकते हैं? एक दिन में मैगी के 120 मिलियन पैकेट बिकते हैं। जब तक ये फैक्ट मैंने आपको बताया तब तक करीबन 2000 मैगी के पैकेट भी बिक चुके होंगे। वैसे क्या आपको पता है कि जब हम लोग बोलते हैं तो कितनी मसल्स काम करती हैं? दोस्तों, जब हम बोलते हैं तो 72 मसल्स काम करती हैं, यानी कि 72 मसल्स। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब एक मधुमक्खी उड़ती है, हवा में उड़ती है, तब एक आवाज सी आती है हमिंग की, और वो आवाज कुछ और नहीं बल्कि उसके पंखों से होती है जो कि 1 सेकंड में 160 बार हिलाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शतरंज दुनिया के सबसे ज्यादा दिमागी कसरत कराने वाले खेलों में से एक है? शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शतरंज खेलने से दिमाग की बौद्धिक क्षमता में सुधार आता है और जटिल प्रश्नों को सुलझाने की शक्ति बढ़ती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में अंग्रेजी भाषा में छपी दूसरी किताब शतरंज के बारे में थी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में जितने व्यक्ति हैं उससे कहीं ज्यादा संख्या में कुत्ते हैं? यहाँ लोगों को मेट्रो में कुत्तों को साथ ले जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। दोस्तों, डॉल्फिन मछली 5 से 8 मिनट तक अपनी सांस रोक सकती है। इतना ही नहीं, ये मछली एक आंख खुली रख कर भी सो सकती है। और हाँ, क्या आप लोग जानते हैं कि यदि कोका कोला में रंग मिला दिया जाए तो इसका रंग हरा हो जाएगा? दोस्तों, दुनिया गजब की है, ये तो हम सब जानते ही हैं। शायद यही कारण है कि हर कोई ज्यादा से ज्यादा जीना चाहता है। लेकिन अफसोस कि दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई भी इंसान अपने जीवन में पूरी दुनिया तो देख ही नहीं सकता। खैर, कोई बात नहीं, कम से कम हम दुनिया से जुड़े उन रहस्यों को तो जान ही सकते हैं जो वाकई में अमेजिंग और अद्भुत है। उदाहरण के तौर पर अगर हम आइसलैंड की बात करें तो वो सबसे खुशहाल राष्ट्र है। वहीं शायद आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि 4 महीने की उम्र तक आप नमक का टेस्ट भी नहीं कर सकते थे। यानी 4 महीने की उम्र तक बच्चा नमक चीनी के टेस्ट में फर्क ही पता नहीं कर पाता है। और ये भी सुनिए, क्या आपको मालूम है कि अंटार्कटिका में बर्फ के क्रिस्टल का साइज क्या है? हैरान मत होइए,
एक एक क्रिस्टल का साइज स्कूल बस से लेकर ट्रक के बराबर होता है। क्या आप लोग जानते हैं कि ताश के पत्तों में चार राजा होते हैं? ये तो जानते ही होंगे, लेकिन एक बात जो कमी लोगों को पता है वो ये है कि इनमें से तीन राजाओं के तो मूछें होती हैं, लेकिन एक राजा की मूछ नहीं होती है, और वो राजा होता है किंग ऑफ हार्ट। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन के अनुसार शुरू में इस राजा की भी मूछें होती थी, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रीडिजाइन किया जा रहा था तब डिजाइनर उसकी मूछें बनाना भूल गया और तब से किंग ऑफ हार्ट्स बिना मूछों वाले राजा हो गए। शायद आपने कभी ध्यान न दिया हो कि उनमें से तीन राजाओं की मूछें हैं लेकिन एक की नहीं, लेकिन अब आप तो जान ही गए। सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बातें करने वाला एक सुपर हीरो की इमेज माइंड में बन जाती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तो उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में वो ऊंची ऊंची इमारतों से जंप तो कर लेता था, पर अगले ही पल उसे जमीन पर आना पड़ता था। बाद में 1940 में जब एक नए कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़कर स्केच ड्रॉ करना पड़ रहा था, जो काफी डिफिकल्ट था। ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार जमीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेशन भी काफी स्मूथ बन गया। अब क्या आप लोग जानते हैं कि फोटो खींचते समय से चीज कहने का प्रचलन है? आपने भी कई बार कहा होगा ताकि हमारी स्माइलिंग पिक आ सके, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ 100 साल पहले विक्टोरियन एरा में लोग फोटो खींचते समय से प्रॉन्स कहते थे ताकि फोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिखे। जरा एक बार कह के तो देखिए, से चीज से प्रॉन्स, देखा आपने? दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण था कि जब हम पुराने समय में राजा महाराजाओं के पोर्ट्रेट देखते हैं तो हमें कहीं स्माइलिंग फेस देखने को नहीं मिलता, सबके सब एकदम सीरियस खड़े रहते हैं। कई बार पेरेंट्स से पैसे मांगने पर वो कहते हैं, वहाँ पैसे का कोई पेड़ नहीं लगा है या पैसों की कोई बारिश नहीं हो रही है जो तुम्हें हर समय पैसे देते रहूं। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पैसे तो छोड़िए, हीरों यानी कि डायमंड्स की बारिश होती है। बिल्कुल सही सुना आपने, सैटर्न और जुपिटर ऐसे ही दो ग्रह हैं जहाँ के वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है, और जब मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वो बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता जाता है जब तक कि वो डायमंड ना बन जाए, और इस तरह वहाँ हीरों की बारिश होने लगती है। तो समझ गया ना, पैसों की भी बारिश होती है लेकिन डायमंड के रूप में। अब दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली बुक कौन सी है, तो शायद आप बाइबल, कुरान, गीता या फिर हैरी पॉटर के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन लेकिन जरा रुकिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फ्यूचर और होम एक्सेसरीज बेचने वाली आइकिया स्टोर का कैटलॉग दुनिया में सबसे अधिक प्रिंट होने वाली बुक का रिकॉर्ड रखता है। दोस्तों, लगभग 2 दर्जन भाषाओं में इसकी हर साल 20 करोड़ प्रतियां छपती हैं। तो दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि रक्तदान से किसी का जीवन बचाया जा सकता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई अकेला व्यक्ति अपने जीवन काल में रक्तदान करके कितने लोगों की जान बचा सकता है, तो आप 10, 15 या फिर 20 लोगों के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया के द मैन विद द गोल्डन आर्म 81 वर्ष के जेम्स हैरिसन ने 1954 से लेकर 2018 तक 1137 बार ब्लड डोनेट किया और उससे 24 लाख बच्चों की जान बचाई गई। ओह माय गॉड, ये नंबर तो वाकई में दिमाग में आया ही नहीं होगा आपके। दरअसल उनके खून में एक बहुत रेयर टाइप्स का ब्लड प्लाज्मा है जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों को होने वाली रिसस डिजीज के इलाज में उपयोगी है, और यही कारण है कि वो अकेले ही इतने लोगों की जान बचा पाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्फाबेट ए इंग्लिश का वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अल्फाबेट है? लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि जब हम नंबर्स को इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं, जैसे कि ओ एन ई यानी कि 1, टी डब्ल्यू ओ 2, टी एच आर डबल ई 3, तो अब ये बताइए कि किस नंबर को लिखने में पहली बार अल्फाबेट ए का प्रयोग करना पड़ता है? सोचिए जरा, नहीं पता? वो नंबर है 1000। जी हाँ, TOUSAND, बिल्कुल सही सुना आपने, यहाँ जाकर आता है ए, क्योंकि 1 से लेकर 999 तक किसी भी नंबर को इंग्लिश में लिखने पर ए की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दोस्तों, क्या कोई ऐसा भी कुत्ता होता है जो कभी भौंकता ही नहीं है? जी हाँ, होता है ऐसा,
तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं बेसेंजी कुत्तों की एक ऐसी ही ब्रीड के बारे में जो बिल्कुल भी नहीं भौंकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई आवाज ही नहीं निकालते हैं। निकालते हैं, लेकिन वो आवाज एक सुरीले गाने की तरह होती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई मरा इंसान कभी घुड़दौड़ जीत सकता है, तो शायद आप सोचेंगे ये क्या स्टूपिड सवाल कर रहे हो यार। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 4 जून 1923 को फ्रैंक हिज नाम के एक जॉकी ने मृत होने के बावजूद अपनी आखिरी रेस जीत ली। दरअसल उन्हें रेस लगाने के दौरान ही हार्ट अटैक आ गया था और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। पर बावजूद इसके उनका घोड़ा लगातार दौड़ता रहा और रेस में अव्वल आ गया। इस तरह फ्रैंक मृत होकर भी रेस जीतने वाले दुनिया के एकमात्र इंसान बन गए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।